अजियत बनी महंगाई, हर तरफ दुहाई ना सुनवाई, बिजली के बिल अदा करना मुश्किल बन गया, बिजली बिलों में टैक्सेस की भरमार, सार्फिन बिल देखकर परेशान, शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर आ गई, शहरियों का शेरावाला गेट, मनावा रोड, चुंगिया मरसिद्धू, एबट रोड पर एहतजाज, विफाकी हुकूमत और लेस्को हुकाम के खिलाफ शदीद नारेबाजी, मुजाहरीन का हुकूमत से जालमाना टैक्स वापस लेने का मुतालबा, मांगा मंडी में भी शहरी लेस्को के खिलाफ सड़कों पर आ गए, मुजाहरीन ने मुल्तान रोड को दोनों अतराफ से बंद किए रखा, एहतजाज के बाद शहर में ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम, अहम शाहराओं पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। लेस्को की जानिब से बिजली के जायद बिल भिजवाने का मामला, शहरियों ने इंसाफ के लिए अदालतों का रुख कर लिया, बिल जमा करवाने की बजाय सिविल अदालतों से हुक्म इम्तना लेना शुरू कर दिया, सिविल कोर्ट में रोजाना हुक्म इम्तनाई के 10 से 20 केसेस दायर होने लगे। एक टैक्स खत्म तो दूसरा बहाल, ताजिर बरादरी चकरा गई, बिजली के बिलों पर फिक्स्ड टैक्स खत्म करके पुराना सेल्स टैक्स बहाल कर दिया गया, 20,000 से कम बिल पर 5% और 20,000 से ज्यादा बिल पर 7.5% टैक्स नाफिज होगा, ताजिर बरादरी टैक्स वसूली के पैमानों पर तजब्जुब का शिकार। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का बहरान आवाम के लिए अजाब बन गया, लेस्को को 650 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 5 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। डॉलर फिर आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा, ट्रेडिंग के दौरान डॉलर 1 रुपए महंगा, इंटरबैंक में डॉलर 217.66 रुपए का हो गया, ओपन मार्केट में 220 रुपए में फरोख्त, 2 रोज में डॉलर 3 रुपए महंगा हो चुका। मुर्गी का गोश्त एक बार फिर पहुंच से बाहर, चिकन 22 रुपए फी किलो महंगा हो गया, मार्केट में ब्रॉयलर 369 रुपए फी किलो फरोख, अंडों की कीमत 216 रुपए फी दर्जन मुकर्रर, सब्जियों की कीमतों में भी होशुबा इजाफा, सरकारी रेट लिस्ट में 12 सब्जियां महंगी हो गईं, प्याज और टमाटर 115, लहसुन 250, अदरक 330 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। फ्लोर मिल्स की जानिब से खपत के मुकाबले आटे की सप्लाई का मामला, शहर के बेशतर इलाकों में आटे की फरोख बंद, किल्लत का खदशा बढ़ गया, जीटी रोड, शालामार लिंक रोड के ताजरों ने आटे की फरोख बंद कर दी, ताजरों ने दुकानों के बाहर हड़ताल के बोर्ड आवेजा कर दिए। महंगाई मजीद बढ़ने वाली है, साबिक वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन का दावा, कहते हैं कि प्याज टमाटर दालों समेत हर चीज की कीमत कई गुना बढ़ चुकी है, जिसकी तनख्वाह 25,000 है उसे 12,000 का बिल आ रहा, कैसे अदा करेगा, मार्च में 17% की शरह पर महंगाई छोड़कर गए, अब 42% पर पहुंच चुकी। साबिक वफाकी वजीर हमाद हसर बोले कि हम सियासी और माशी तौर पर नाजुक सूरत हाल से गुजर रहे हैं, महंगाई अपने तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, हुकूमत की नाअहली के बायस मुल्क की मौशियत की हालत अबतर हुई। लाहौर में डेंगू के मरीजों में इजाफा होने लगा, 24 घंटों के दौरान 12 डेंगू मरीज रिपोर्ट, शहर के अस्पतालों में डेंगू के 42 मरीज जेरे इलाज, गुज़श्ता रोज लाहौर से 569 मकामात से डेंगू लार्वा तल्फ किया गया। डेंगू के साथ कोरोना का फैलाव भी तेज, लाहौर में मजीद 82 नए मरीज सामने आ गए, मुजी वायरस के फैलाव की मस्बत शरह 5.6% रिकॉर्ड, सुबह भर से कोरोना के 101 नए केसेस रिपोर्ट। माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए हंगामी इकदाम, चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जेर सदारत इजलास, इंडस्ट्रियल यूनिट्स और भट्टों के इंस्पेक्शन के लिए खसूसी स्क्वाड तश्कील देने की हिदायत, चीफ सेक्रेटरी पंजाब कहते हैं माहौलियाती आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शहर में गैर निसाबी सरगर्मियों के फरोग के लिए 11 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस की तामीर का मंसूबा, 2017 से जारी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस 5 साल गुजरने के बाद भी मुकम्मल ना हो सके, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस की अदायगियों की मत में बड़ा स्कैंडल सामने आ गया, एलडीए का मनपसंद ठेकेदारों को कवानीन के बरक्स फंड देने का इंकशाफ,
चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम ने मुबैना तौर पर बेजाब्तियों पर इंक्वायरी शुरू कर दी। वज़ीर-ए-आला पंजाब का सफाई कंपनी का ऑपरेशनल ढांचा तब्दील करने का इंदिया। जल्द से जल्द लाहौर समेत 7 शहरों में कंपनियों को आउटसोर्स किया जाएगा। गुजरात में भी सफाई कंपनी को फाल करने की हिदायत। सफाई ऑपरेशन का कॉन्ट्रैक्ट ओपन बिडिंग के जरिए किया जाएगा। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं तुर्किश कंपनियों के अलावा भी ऑपरेशन पर काम किया जाएगा। सेकेंडरी वेस्ट कलेक्शन मुकामी कॉन्ट्रैक्ट से करवाई जा रही है। सफाई पर हाइब्रिड मॉडल के तहत 14 अरब रुपए सालाना खर्च किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत पर 24 रुकनी डिजास्टर मैनेजमेंट वजारती कमेटी तश्कील। कमेटी के चेयरमैन सूबाई वजीर राजा बिशारत, वाइस चेयरमैन चीफ सेक्रेटरी होंगे। सूबाई वजीर खजाना मोहसिन लगारी, वजीर तामीरात अली अफजल साही कमेटी में शामिल। सूबाई वजीर हसनैन जहानिया और मंसूर अहमद खान कमेटी के मेंबर होंगे। वजारती कमेटी किसी नागहानी आफत के हवाले से पेश की प्लान मुरतब करेगी। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि जनूबी पंजाब के सैलाब मुतासरीन के बहाली के लिए बरवक इकदाम किए, सैलाब से मुतासर इलाकों को आफत सदा करार दे दिया। गवर्नर पंजाब अलीगो रहमान से मुतहदा अरब अमारात के सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा तजारत को बढ़ाने पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब का मसला कश्मीर पर पाकिस्तानी मौकिफ की हिमायत करने पर अमाराती सफीर से इजहार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आला पंजाब से मुतहदा अरब अमारात के सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुख्तलिफ शोबों में तआवुन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आला पंजाब की मुतहदा अरब अमारात के सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। कहा कि मुतहदा अरब अमारात के सरमायाकार कंपनियों को पंजाब में खुश आमदीद कहेंगे। नून लीगी रहनुमा राना मशहूद ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट से रजू कर लिया। राना मशहूद ने हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में आईजी पंजाब समेत दीगर को फरीक बनाया गया। राना मशहूद ने मौकिफ अख्तियार किया कि पुलिस सियासी नौयत के केसेस में गिरफ्तार करना चाहती है। वज़ीर-ए-आला पंजाब का शहर में पार्किंग प्लाजे बनाने का हुक्म। पार्किंग प्लाजों की तामीर में इदारों की नाकिस हिकमत अमली सामने आ गई। शहर की ट्रैफिक का निजाम बेहतर करने के लिए पार्किंग प्लाजों की तामीर का मंसूबा मुअम्मा बना रहा। गुजरात सरकार 3 साल 7 माह से ज़ायद दौरे इक्तदार में एक पार्किंग प्लाजा भी तामीर ना कर सकी। शहर में गाड़ियों की पार्किंग के लिए पार्किंग एरिया कम पड़ गया। पंजाब हुकूमत का 4.5 माह बाद LDA गवर्निंग बॉडी इजलास बुलाने का फैसला। इजलास की सदारत वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही बतौर चेयरमैन LDA करेंगे। इजलास में 21 नकाती एजेंडा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वासा टैरिफ में तब्दीली, LDA अलाउंस का वर्किंग पेपर भी एजेंडे में शामिल। सूबाई वजीर सेहत की तरक्की के मुंतजर अफसरान के वर्किंग पेपर्स तैयार करने की हिदायत। डॉक्टर यास्मीन राशिद की जेर सदारत आला सतह का इजलास। डॉक्टर्स की तरक्की, खाली असामियों पर नई भर्ती से मुतालिक पेशरफ का जायजा लिया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि डॉक्टर्स की तरक्की में अब किसी किस्म की ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गंगाराम अस्पताल में जेर तामीर 600 बिस्तरों पर मुश्तमिल मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक पर तेजी से काम जारी है। PIC इंतजामिया की एडवांस भर्तियां, टेंडर्स खुलने से कबल ही 87 लाख रुपए के काम मुकम्मल करने का इंकशाफ। 29 लाख रुपए के CCTV कैमरों की बजाय 3 लाख के नाकिस कैमरे लगाकर खाना पूरी की गई। 3200 रुपए के कैमरे का बिल 90,000 रुपए डालने की तैयारी। चादरों और बेडशीट्स के रेट भी 3 गुना ज़ायद लगाए गए। वाइस चेयरमैन LDA नईमुल हक का दाता गंजबख्श फ्लाई ओवर मनसूबे का दौरा। चीफ इंजीनियर टू मजहर हुसैन ने वाइस चेयरमैन को मनसूबे के मुतालिक ब्रीफिंग दी। वाइस चेयरमैन LDA ने कहा कि मनसूबे की तकमील से शहरियों की कीमती वक्त और ईंधन की बचत होगी।
महक साइज में प्रॉपर्टी टैक्स में रियायत के दर्जनों केसेस इल्तवा का शिकार। 2014 में दी गई टैक्स रियायत के केसेस का फैसला ना हो सका। कंप्यूटर सिस्टम भी एनओसी के बावजूद बकायाजात जाहिर करने लगा। शहरी प्रॉपर्टी टैक्स में रियायत के लिए दफातर में खार होने लगे। पंजाब बार काउंसिल की इमरान खान पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करने की मजम्मत। दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करना आईन और कानून की खिलाफ वर्जी है। पंजाब बार काउंसिल ने आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन बुलाने का ऐलान किया। पंजाब पुलिस में उखाड़ पिछाड़ का सिलसिला जारी। आईजी पंजाब ने 19 पुलिस अफसरान के तकरूर व तबादले कर दिए। शौकत अली शेख डीएसपी डॉल्फिन स्क्वाड सिविल लाइन्स तैनात। फखर बशीर राजा को डीएसपी चौहंग लगा दिया गया। आमिर अब्बास डीएसपी गार्डन टाउन मुकर्रर। अब्दुल्ला एहसन एएसपी शुमाली छावनी में फरार सर अंजाम दे। यूएचएस का एमफिल पीएचडी प्रोग्राम सालाना से सेमेस्टर पर मुंतकिल करने का फैसला। वाइस चांसलर की शोबों के सरबराहान को दो रोज में सिफारिशात पेश करने की हिदायत। बीसी प्रोफेसर एहसन वहीद राठौड़ कहते हैं कि वही निजाम अपनाएंगे जो दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में है। एमफिल प्रोग्राम 3 साल में मुकम्मल होगा। मैट्रिक के सालाना नतायज का ऐलान 31 अगस्त को ही किया जाएगा। तालीमी बोर्ड्स को तारीख में इजाफे की इजाजत ना मिली। कंट्रोलर लाहौर बोर्ड कहते हैं पर्चों की मार्किंग का अमल तेज कर दिया गया। असातिज़ा के प्रमोशन के लिए अक्टूबर में इजलास बुलाने का फैसला। सीईओ एजुकेशन अथॉरिटी तारिक फारूकी की असातिज़ा को यकीन दहानी। पंजाब टीचर यूनियन के वफद की सीईओ एजुकेशन तारिक फारूकी से मुलाकात। पोलियो मुहिम कामयाब बनाने का मिशन। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की जेर सदारत इजलास। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स असिस्टेंट कमिश्नर समेत दीगर की शिरकत। इंसदाद पोलियो मुहिम के पहले रोज की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। डीसी लाहौर मोहम्मद अली कहते हैं पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रहे हैं।